खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश में इस समय समान नागरिक संहिता की धूम मची हुई है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने जब से भोपाल में इसका जिक्र किया, उसके बाद से न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर हरकत में आ गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही तो उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लेकर समिति बनाई। इस समिति की रिपोर्ट तैयार हो गई है, जल्दी ये रिपोर्ट भी सबमिट कर दी जाएगी। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब, जो समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर राज्य का रुख बताएंगे। धामी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार जी। सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा धामी साहब कि आखिर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर चर्चा करने की, इसके लिए समिति बनाने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, वनों से आच्छादित है और 12 मास चलने वाली नदियों से आच्छादित है, देवों से आच्छादित है, देवभूमि है और दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। और साथ ही उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश के किसी न किसी कोने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इस बार का जो आम चुनाव था विधानसभा का 2022 का, उस आम चुनाव में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा, संकल्प रखा, अपनी बात रखी कि अगर हमारी नई सरकार का गठन होता है तो नई सरकार का गठन होते ही हम सबसे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए कमेटी बनाएंगे। और चुनाव का परिणाम आया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे प्रस्ताव पर अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया, हमें दोबारा सरकार में आने का अवसर प्रदान किया और हमने जो संकल्प लिया था, जो हमने प्रस्ताव दिया था, हमने उस पर काम किया और उसके लिए कमेटी गठन कर दिया। कमेटी ने एक साल से भी अधिक समय तक और लगभग 2,35,000 लोगों से अभी तक बात की है, विभिन्न संगठनों से बात की है, धार्मिक संगठनों से बात की है, अनेकों स्टेक होल्डरों से बात की है और कमेटी ने अपना ड्राफ्ट लगभग पूरा कर लिया है और जैसे ही कमेटी हमको देगी हम उस पर आगे बढ़ेंगे। तो अब सवाल आपसे यही था धामी साहब कि कमेटी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। दरअसल ये ड्राफ्ट बिल भी है, क्योंकि ये सिर्फ रिपोर्ट भर नहीं, क्योंकि विधि आयोग जो है वो तो रिकमेंडेशंस देता है लेकिन आपकी जो कमेटी है वो तो एक ड्राफ्ट बिल बना करके दे रही है जो उन्होंने कहा है कि वो जल्दी आपको सबमिट करेंगे। तो इसके बाद आपकी सरकार आगे किस तरह से बढ़ेगी? क्या कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, इस बिल को मंजूरी दी जाएगी, क्या उत्तराखंड के इसी मानसून सत्र में इस बिल को लाया जाएगा, पारित कराने का प्रयास किया जाएगा? नहीं, जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका आकलन करेंगे और हमारे सभी जो विधि से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी परामर्श करेंगे और उसकी जो भी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को आगे, उस प्रक्रिया में आगे चलेंगे और जो लागू करने की दिशा में जो कदम होंगे बढ़ाएंगे जी। लेकिन सवाल यही था आपसे सर कि जो कमेटी बनाई गई थी, जैसा मैंने कहा है कि ये तो ड्राफ्ट बिल बना करके दे रही है और इस ड्राफ्ट बिल के ऊपर सबकी नजरें हैं, कई अन्य बीजेपी शासित राज्य भी हैं जैसे कि गुजरात है, असम है, मध्य प्रदेश है, उन्होंने भी ये कहा है कि वो भी इसी तरह की समिति बनाएंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो उत्तराखंड का लॉ होगा, जो कानून बनेगा, वो एक तरह से मॉडल लॉ का काम करेगा बाकी राज्यों के लिए भी। देखिए, हमने अपने राज्य की जो हमारे यहाँ का स्वरूप है, जिस प्रकार की यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, जो उत्तराखंड का धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, कानून व्यवस्था जिस प्रकार से चलती है, हमने भारत की संविधान के अनुच्छेद जो 44 में जो प्रावधान है उसके अनुरूप कमेटी ने काम किया है। कमेटी आगे बढ़ी है, उनका बिल आ जाएगा तो उसके बाद हम तो इसको अपने यहाँ लागू करेंगे और हमारा ये अपेक्षा जरूर होगी कि उत्तराखंड देवभूमि में कोई काम हो रहा है तो देश में सभी जगह वो काम हो। बिल्कुल जी, निश्चित तौर पर जो बात एक कही जाती है कि आखिर इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये बीजेपी का जो कोर आइडियोलॉजिकल इश्यू है, जिसमें कि धारा 370 थी, राम मंदिर का निर्माण था और समान नागरिक संहिता थी, इसलिए भी बीजेपी इसको लेकर आगे बढ़ना चाहती है। देखिए, देश की जरूरत है, देश के अंदर एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए और सबके अच्छे के लिए होना चाहिए और अगर भारत के संविधान बनाने वाले लोगों ने
इसका प्रावधान किया है, तो निश्चित रूप से सभी को इस कानून को मानना भी चाहिए और कानून बन रहा है तो इसका स्वागत भी करना चाहिए। बिल्कुल। एक दूसरा मुद्दा इसी कानून से जुड़ा हुआ यह भी है कि आपको याद होगा धामी साहब की प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का भी उल्लेख किया था कि जो महिलाओं की विवाह की उम्र है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष होना चाहिए, इस पर भी विचार होना चाहिए। आपको लगता है कि जब ये समान नागरिक संहिता आएगी तो ये सारे जो मुद्दे हैं जिसमें कि मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलना, पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलना, महिलाओं के विवाह की उम्र बढ़ना, ये सारे मुद्दे इनका समाधान होगा? गोद लेने की बात हो या फिर बहुविवाह की बात हो, ये सारी बातें जो है इनका समाधान इससे निकलेगा? नहीं, देखिए सभी का सशक्तिकरण हो, मातृशक्ति का भी सशक्तिकरण हो और देश में रहने वाले सभी लोगों का सशक्तिकरण हो, वो तो अब जब बिल आएगा उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि जो है जब ड्राफ्ट तैयार होकर आ जाएगा उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, और बहुत विद्वान लोग उस ड्राफ्ट को बना रहे हैं, उस सारे पहलुओं का अध्ययन कर रहा है, उन्होंने सभी से बात की है, सबके विचार लिए हैं, उसके बाद ही वो ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि अच्छा ड्राफ्ट आएगा, सबके हित में आएगा जी। लेकिन आप जानते हैं धामी साहब की जो कांग्रेस पार्टी है वो विरोध कर रही है, राजनीतिकरण का आरोप लगा रही, कह रही कि बीजेपी राजनीतिकरण करना चाहती है, बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें ध्रुवीकरण जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि विधानसभा के आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट दिया है, हमको सरकार में सेवा करने का अवसर दिया और वो समान नागरिक संहिता का जो हमारा प्रस्ताव था उसको उन्होंने एक तरह से पारित किया है, इसीलिए हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़े हैं, इसलिए इसमें कोई ध्रुवीकरण जैसी बात नहीं है। ये कांग्रेस जो तुष्टिकरण करती रहती है, तुष्टिकरण जिन्होंने देश के अंदर किया है, देश की आजादी से लेकर अब तक तुष्टिकरण की बात की है, तुष्टिकरण को बढ़ावा दिया है उनको, इसलिए इसमें भी ध्रुवीकरण दिखाई देता है। लेकिन फिर भी क्या आप चाहेंगे कि इस पर आम राय बने, क्या आप कांग्रेस पार्टी से इस बारे में बातचीत करेंगे बिल लाने से पहले? नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाई सभी लोग इसका स्वागत करें, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिस संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष थे उनकी अध्यक्षता में संविधान बनाया गया था और उसमें अनुच्छेद 44 में इसका पूरी तरह से उल्लेख किया है राज्यों को कि अपने तरीके से राज्य इसमें आगे बढ़ सकते हैं, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर राज्यों को इसके लिए कहा है कि उनको जो है समान नागरिक संहिता का कानून अपने यहाँ बनाना चाहिए, और जो लोग संविधान पर विश्वास रखते हैं, विधि व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं, उन सभी को आगे आना चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए और एक अच्छा काम हो रहा है, इस अच्छे काम में अनावश्यक रूप से केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं धामी साहब की गोवा में भी समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वो देश की आजादी से पहले वहां से लागू है, लेकिन देश की आजादी के बाद संभवतः उत्तराखंड पहला राज्य बनने वाला है जहां पर कि ये समान नागरिक संहिता लागू होगी। क्या आपका पूरा प्रयास इसी दिशा में रहेगा कि जल्द से जल्द इसको कानून बनाया जाए? जी बिल्कुल, जैसे ही हमको कमेटी का ड्राफ्ट मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारे जितने भी पक्ष हैं उन पक्षों पर अध्ययन करने के बाद, उसका आकलन करने के बाद उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़े। अब समान नागरिक संहिता से हटकर दूसरा विषय धामी साहब जिसकी चर्चा बहुत हो रही है पूरे देश में, उत्तरकाशी में पुरोला की जिस तरह की घटनाएं हुई वहां पर यह भी खबरें आ रही है कि वहां पर जो मुस्लिम तबका है वो वहां से पलायन कर रहा है, आपकी सरकार ने वहां पर शांति बनी रहे इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं? देखिए हमने कानून व्यवस्था की स्थिति को किसी को भी अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं दिया। उत्तरकाशी की घटना एक ऐसी घटना है जो स्वतः ही स्फूर्त थी और उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर जो लव जिहाद जैसी चीजें हैं, लैंड जिहाद जैसी चीजें हैं, वो यहाँ के मूल स्वरूप को कहीं ना कहीं खराब करने की दिशा में ले जा रही थी, इसलिए लोगों ने स्वतः ही आकर उसको वो किया है, उसका प्रतिकार किया है और कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि लोगों में ये भावना आई है, लेकिन हमने कहा कि हम कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं देंगे, सख्ती से कानून ने अपना काम किया है और कोई भी वहां पर लूटपाट भी नहीं हुई है, किसी के साथ कोई मारपीट भी नहीं हुई है और सब शांति व्यवस्था है। उत्तराखंड एक हमारा शांत प्रदेश है जहां एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं, आपस में प्रेम और सौहार्द से रहते हैं, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं न हो उसके लिए हमने प्रशासन को भी लगातार ये कहा है कि
जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं वहां पर सख्ती से काम किया जाए। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि बार बार यहाँ पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि जनसंख्या परिवर्तन की बात उठाई जाती है कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उत्तराखंड में, क्या यह भी एक हवा खड़ा किया जा रहा है और आपको लगता है कि इसको इसका भी समाधान करना जरूरी है ताकि जो भाईचारा है वो बना रहे समाज में? नहीं, देखिए उत्तराखंड मैंने कहा कि एक शांत प्रदेश है, यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति भी पूरी तरह से शांति में बनी रहती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इधर के कुछ सालों में देखने में आया है कि तेजी से ऐसे लोग जिनके कई आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, कई प्रकार की संदिग्ध पृष्ठभूमियां रही हैं, वह भी उत्तराखंड में आ गए, तो उनको लेकर कहा है कि हम वेरिफिकेशन भी करेंगे और यहाँ पर सख्ती भी करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड जो देवभूमि है, देवों का प्रदेश है, धर्म अध्यात्म संस्कृति का केंद्र है, वह स्वरूप खराब न हो, पूरे लोगों की, पूरे भारत के लोगों की, पूरे विश्व के लोगों की देवभूमि पर आस्था होती है। तो ये जो आस्था के यहाँ पर हमारे कारण हैं वो बने रहें और यहाँ का स्वरूप भी बना रहे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आखिर में जाते जाते चार धाम यात्रा चल रही है, हालांकि बीच में मौसम खराब होने से अतिवृष्टि के कारण कहीं पर कुछ दिक्कतें भी आई थी, आप क्या संतुष्ट हैं जो इंतजाम किए गए हैं या आगे आपको लगता है कि और भी बेहतर करने की जरूरत है? चार धाम यात्रा बहुत कठिन यात्रा है और केदारनाथ जी के 25 अप्रैल को कपाट खुले थे और अप्रैल का महीना, मई का महीना, पूरे महीने भर जो है बर्फबारी होती रही, बरसात होती रही, लेकिन भक्तों का, श्रद्धालुओं का आना कम नहीं हुआ। ये जरूर है कि कठिन स्थान है, कठिन यात्रा है, लेकिन उसके बावजूद हमने पूरे प्रयास किए हैं कि जो इन कठिन परिस्थितियों में जो समुचित इंतजाम हो सकते हैं श्रद्धालुओं को, आने वाले हमारे तीर्थ यात्रियों को, उनको बहुत परेशानी न हो, उसका हमने प्रयास किया है। और हर बार हमारा कोशिश रहती है कि पिछली बार जो प्रयास किए गए थे उन अनुभवों से कुछ अनुभव लेते हुए, उन चीजों को देखते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम किया, आगे भी क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, हमारा प्रयास होगा कि आने वाले दिनों में हमारे भक्तगणों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यात्रा आसान हो, सरल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धामी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड किस तरह से देश में पहला राज्य बनने जा रहा है जो इस कानून को लागू करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।